मस्टर्ड ऑयल डालूंगी। आप कोई भी कुकिंग ऑयल से बना सकते हैं। आधा चम्मच जीरा ऐड कर रहे हैं। अब ऐड करेंगे प्याज, स्लाइस की हुई प्याज, बड़े साइज की एक प्याज लिया मैंने। अब ऐड करूंगी अदरक लहसुन पेस्ट, दो बड़े चम्मच। अदरक लहसुन पेस्ट को भी दो मिनट भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अब ऐड कर रही हूँ रेड चिल्ली पाउडर दो चम्मच, हाफ चम्मच हल्दी पाउडर, दो चम्मच धनिया पाउडर, हाफ चम्मच गरम मसाला पाउडर। मसाले को अच्छे से भून लेंगे। थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे ताकि मसाला जले ना। एक चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ। मसाला भून लिया, अब इसमें चिकन ऐड कर देंगे। हाफ किलो चिकन लिया मैंने। अच्छे से मिक्स करना है। अब ढककर लो फ्लेम पे 10 मिनट पकाएंगे, बीच बीच में चलाते रहेंगे। बीच बीच में चलाते रहना है, नहीं तो नीचे जल सकता है। इसी तरह लो फ्लेम में ड्राई होने तक पकाना है। अब इसमें ऐड करेंगे आलू। अब मिक्स कर देंगे ऐसे ऐसे। फिर एक बार चेक करते हैं। इस तरह से ज़रूर एक बार बनाकर खाइएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसा बना। ड्राई होने तक इसे ही पका लेंगे लो फ्लेम पर। 10 मिनट पका लिया गाइस। अब अच्छे से मिक्स करेंगे। अब ग्रेवी के लिए पानी ऐड कर देंगे। अब आपके हिसाब से पानी ऐड कीजिएगा। अब मैं आज पतला ग्रेवी बनाऊंगी इसलिए थोड़ा पानी ज़्यादा डाला। अब आपके हिसाब से पानी ऐड करिएगा। अब हाई फ्लेम पे 5 मिनट और मीडियम टू लो फ्लेम पे 10 मिनट पका लेंगे।
चार पांच ग्रीन चिल्ली ऐड कर दिया और थोड़ा सा धनिया पत्ता। अब ऐड कर रही हूँ होममेड गरम मसाला पाउडर। हमारा चिकन आलू की सब्जी बनकर रेडी है। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।